মাদার চোদ রক্ত পাসি মাদার চোদ বাদ সালে বাদ। सभी लोगों को नमस्कार। हमारे गोरखपुर के क्षेत्र बांसगांव से, बांसगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय कमलेश पासवान जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी जाति को लेकर के गाली दी गई है। सर, बात करना जरूरी है, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो लोग इस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जमीनों को कब्जा कर रहे हैं या ऐसे हो रहा है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कमलेश पासवान जी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो देश की सर्वोच्च जो सदन है उसके सदस्य हैं और उसके साथ साथ व्यवसायी भी हैं। तो व्यवसायी होने के नाते उनके विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, लेकिन जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें आप देखे होंगे कि उनकी जाति को लेकर के उनको गाली दी गई है। जो वीडियो में गाली का इंटेंशन है वो किसी जमीन में विवाद को लेकर के नहीं है, वो उनकी जाति को लेकर के है। मेरे हिसाब से ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है, और जो भी लोग इस गाली को जस्टिफाई कर रहे हैं और इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। वो चाहते हैं कि देश में जातिवाद बना रहे। मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा उन नेताओं से, कुछ नेता लोग हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, ये पटरी व्यवसायी संघ के भी एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने वीडियो में डाला था कि भाई कमलेश पासवान जी शहर की सभी महंगी जमीनों में, विवादित जमीनों को कब्जा कर रहे हैं और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनके पास कहां से इतनी संपत्ति आ गई। लेकिन उनको तनी एक बार भी उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि जाति को लेकर के जो एक बहुत बड़ा आबादी है उस जाति की और उस समाज की, बहुजन समाज की, उसका भी योगदान देश में है, बराबरी का हिस्सेदारी है उसका, उसको उसकी जाति को लेकर के गाली दिया गया है, उसका कहीं से विरोध नहीं किया उन्होंने। उनकी भी बात से लगा, उनको सबसे बड़ा कष्ट यही है कि पासी बिरादरी का आदमी इतनी ज्यादा संपत्ति क्यों रखा हुआ है। बाकी उन्होंने कहा कि शहर की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, तो उनके फेसबुक पर मैंने कमेंट किया था, उन्होंने डिलीट कर दिया, मुझे ब्लॉक भी कर दिया, कि शहर की जमीनें जो कब्जा कर रहे हैं, तालाब पोखरा जो कब्जा कर रहे हैं, उनके यहां जाकर के आप मुंडी नीचे करके चले आते हैं, शीश नवा करके चले आते हैं, उनके खिलाफ बोलने की आपकी हैसियत नहीं है। आप जानते हैं कौन देश इस शहर में सबसे ज्यादा जमीने कब्जा किया हुआ है, कौन मठाधीश है इस शहर का, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो प्लीज इस तरह का स्टेटमेंट मत दीजिए, आप जनता के नेता हैं और उसमें हर जाति के लोग हैं, आपका स्टेटमेंट पूरी तरह से जातिवादी था। जो लोग पासी बिरादरी के हैं उसमें भी कुछ नेता हैं, वो भी छाती पीट रहे हैं कि पासी पासी के साथ ऐसा हो गया, पासी समाज के साथ ऐसा हो गया। तो उनसे, बेअकलों से मैं कहना चाहता हूं कि पासी जाति है, समाज नहीं है, और जब तक तुम जाति और समाज में अंतर करना नहीं सीखोगे, ऐसे ही गालियां सीख पड़ती रहेगी। पासी को गाली पड़ा, चमार को गाली पड़ा, धोबी को गाली पड़ेगा, बघेल को, कुशवाहा को, सबको गाली पड़ेगा। जब तक समाज नहीं बनाओगे, जाति जाति होती है, समाज सबको मिला करके होता है, तो जाति और समाज में अंतर करना सीख लो, फिर राजनीति में आकर के बयानबाजी और भाषणबाजी करो। बीजेपी में शामिल बहुजन नेताओं से कहना चाहूंगा मैं कि भाई आप वहां राजनीति करिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कमलेश पासवान जी बीजेपी में हैं क्यों, भाई आरक्षित सीटें हैं, उस पर सभी पार्टियां चुनाव लड़ाते हैं, बीजेपी भी चुनाव लड़ाती है, और आरक्षित सीट से कोई ना कोई बहुजन समाज का ही आदमी जाएगा, इंसान वहां पर जाएगा, तो कमलेश पासवान जी हैं तो उसमें क्या बुराई है। कुशवाहा जी के होने से भी बुराई नहीं है, बघेल जी के होने से भी बुराई नहीं है, लेकिन जब आपके जाति पर कोई उंगली उठाता है, आपको बेइज्जत करता है, तो पूरे समाज की बेइज्जती होती है। इस पर स्टैंड लीजिए।
इस पर आपको स्टैंड लेना चाहिए, जैसे लालू यादव ले रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पूरे समाज के दोषी हैं, आप उस संवैधानिक व्यवस्था के दोषी हैं जिसके तहत आप चुन करके वहां पर सांसद विधायक बने हुए हैं। जूता खा करके चुप बैठ गए हैं आप लोग, गाली सुन करके आपकी FIR नहीं दर्ज हो रही, आप सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, ये पूरे समाज की आप बेइज्जती कर रहे हैं। नीलाम मत करिए, चाहे बीजेपी में रह करके या बीजेपी के बाहर इसका विरोध करिए, ये बहुत जरूरी है आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए। और आप इतनी संख्या में हैं कि अगर आपने अपने मान सम्मान के लिए विरोध करना शुरू कर दिया तो वो पार्टी भी आपके कब्जे में आ जाएगी, वहां आपकी हुकूमत चलेगी। नहीं तो गालियां खाते रहिए, सुनते रहिए, जूता खाते रहिए। सबसे अंतिम में मैं अपने सवर्ण भाइयों से कहना चाहूंगा कि भाई कमलेश पासवान जी तो सर समाज के नेता हैं, उनकी सोच में, उनकी थिंकिंग में, उनकी कार्यशैली में कहीं कोई जातिवादी पुट नहीं दिखाई देता है। मुझे तो लगता है कि बहुजनों से ज्यादा उन्होंने सवर्णों के लिए काम किया है, उनकी ज्यादा सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ उनका बिजनेस है। और वो बंदा जो अपने काम से अपनी पहुंच बनाया हुआ, पहचान बनाया हुआ है, उसको अगर उसकी जाति को लेकर के गाली पड़ रही है और उसमें आप उसका विरोध नहीं करते हैं तो आप जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, कुंठित हैं। आप समाज में, देश में जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, ऊंच नीच की भेदभाव की भावना को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि देश में जाति मुक्त समाज की स्थापना हो तो आप इस गाली का विरोध करिए और फर्ज कीजिए कि वो जो गाली पासी शब्द के साथ जोड़ करके दी गई है, वो आपके जाति के साथ जोड़ करके वो गाली दी गई होती तो आपको कैसा लगता है? वो आपको जातिवादी लगता कि नहीं लगता? वहां कमलेश पासवान जी सही हैं, गलत हैं, उनका एग्रीमेंट है, वो कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट उस पर जजमेंट देगा, लेकिन जाति को लेकर के जो इंटेंशनली गाली दी गई उसमें सीधा सीधा लगता है कि उनको उससे नीच दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है, पूरा बहुजन समाज इससे आहत है। पता नहीं कमलेश पासवान जी स्टैंड लेंगे कि नहीं, या वो भी जूता जो खा करके बैठे उनके साथ तरह चुप हो जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज आप लोगों से उम्मीद करता है कि आप इसका विरोध करें। अंतिम बात कहना चाहेंगे, जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, यहां तो गाली तो आर्थिक आधार पर नहीं मिली है। अगर हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न जाति के आर्थिक आधार पर हुआ होता तो आज कमलेश पासवान जी बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा उनके पास, सांसद हैं, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो बैठते हैं, UNO जाकर के बात कह करके आए हैं, पैसा है, रुतबा है, हर कुछ है, लेकिन उनका डिस्क्रिमिनेशन, उनका अपमान करने का आधार जाति बन रहा है। तो आरक्षण यानी कि रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व अगर आर्थिक आधार पर दिया जाए तो उससे कभी जातिवाद और विषमता समाप्त होने वाली नहीं है। इस नाते आरक्षण का आधार जाति है, और जब तक आप लोग जाति को बनाए रखेंगे जातिगत आरक्षण जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो तो जातिवाद को खत्म करिए और इस तरह के कुकृत्यों का विरोध करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस जातिवादी गाली का विरोध करेंगे और आगे से ऐसा कुछ न हो, या ऐसा करने वाले जो लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। माननीय कमलेश पासवान जी से हम कहना चाहते हैं कि उनको जो जाति को लेकर के जो अपमान किया गया है उसको हम लोग अपना अपमान समझते हैं। आप बीजेपी के हैं, हम लोग बीजेपी के विरोधी हैं, बीजेपी की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, उनकी जो कार्यशैली है और आज देश की जो स्थिति है उसको लेकर के हम उनका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाति की बात करेंगे, कोई आपके जाति को लेकर के सवाल उठेगा तो वो हमारा भी अपमान है, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। और इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सड़क पर उतरिए। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है या आपके खिलाफ झूठी FIR हो रही है तो आप सड़क पर उतरिए।
ये आपके मान सम्मान नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के मान सम्मान का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय भीम, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद।